नमस्कार, मैं हूं आरके रैना। आप देख रहे हैं हेल्थ कोच। हमारी कोशिश ऐसी जानकारी जुटाने की है जिससे बीमारियां हमसे कोसों दूर रहें। पिछले एपिसोड में हमने फिजियोथेरेपी और उसके लाभ के बारे में जाना। आज का विषय है स्लिप डिस्क। पिछले एपिसोड से ही हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक प्रताप जुड़े हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, डॉक्टर अभिषेक हमारे देश के जाने माने कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर अभिषेक 4,000 से भी ज़्यादा रोगियों का सफल इलाज कर चुके हैं, जिसमें बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हैं। डॉक्टर अभिषेक इंद्रप्रस्थ फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन सेंटर और इंद्रप्रस्था स्पाइन मैनुअल थेरेपी सेंटर के डायरेक्टर हैं। अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टर साहब को कई सम्मान मिले हैं, जिसमें समाज रत्न सम्मान, बेस्ट फिजियोथेरेपी ऑफ दिल्ली और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अवार्ड भी शामिल है। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब हमारे शो में। थैंक यू। पिछले एपिसोड में जब हमने फिजियोथेरेपी पे बात की तो हमारे पास बहुत कॉल्स आई, लोगों ने बहुत पसंद किया प्रोग्राम को, और इनफैक्ट वहीं से काफी लोगों ने पूछा कि आप डॉक्टर साहब को इनवाइट करें और हमें कुछ और जानकारी दें स्लिप डिस्क के बारे में। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो स्लिप डिस्क पे आपके पास भी आते होंगे और जिनमें युवाओं की भी संख्या बहुत अच्छी खासी है, तो इसकी क्या कारण है, ये स्लिप डिस्क के इतने केसेस क्यों आ रहे हैं हमारे सामने? थैंक यू रैना जी इनवाइटिंग मी अगेन। राणा जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ स्लिप डिस्क प्रॉब्लम से पहले कि व्हाट इज स्लिप डिस्क, व्हाट इज डिस्क। डिस्क एक तरीके से हमारी बॉडी का एक शॉक एब्जॉर्बर है। जिस तरीके से कार में शॉकर होता है और वो उसको किसी भी जर्क से उसको बचाता है, इसी तरीके से ये डिस्क जो है हमारी पूरी स्पाइन में एक एब्जॉर्बर के तौर पे वर्क करती है। अब उसकी सराउंडिंग, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी जो सराउंडिंग मसल्स हैं, जो उसके अंदर का जेल है, जो वहाँ से उसकी ओरिएंटेशन है, वो अगर डिस्टर्ब नहीं होती है तो वही डिस्क जो है हमें सालों साल जो है अच्छी चलती रहती है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये डिस्क आखिर है क्या। सबसे हर एक कोई कहता है कि मुझे स्लिप डिस्क हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, लेकिन व्हाट इज द डिस्क, व्हाट इज द स्लिप डिस्क। तो उसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि डिस्क जो है एक तरीके से जो एब्जॉर्बर है उसमें जेल भरा होता है, जी और जेल जो है वो उसमें एक शॉकर में जिस तरीके से ऑयल होता है, जब ऊपर से एक प्रेशर आता है और वो दबती है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी तरीके से हमारी नेक से, हमारी बैक से जो हमारा ग्रेविटेशनल कंप्रेशन आता है, जो ग्रेविटेशनल प्रेशर आता है, वो उसको डिस्क के ऊपर आता है और वो यूनिफॉर्मली जो जेल होता है वो सराउंडिंग जो होता है वो स्प्रेड होता है। जब वो कंप्रेशन सबसाइड कर जाता है, हट जाता है, वही डिस्क अपनी नेचुरल फॉर्म में चली जाती है, वापस अपनी उसी पोजिशन में पहुंच जाती है। इन डिस्क जो डिस्क है इसमें अब प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, उसमें कई सारे कॉजिटिव फैक्टर्स हैं। जिस तरीके से अगर हमारी जो सराउंडिंग मसल्स अगर वीक हो जाती हैं, तो वही डिस्क का जो सपोर्ट है, जो सराउंडिंग सपोर्ट है, वो अगर वीक होता है तो वो डिस्क को एक तरफ निकलने का रास्ता मिल जाता है। जी जब वो मसल्स वीक होने लगती है तो वही डिस्क जो है वो वहाँ से जो उसका जेल होता है वो निकल के वो बल्ज होता है, जिसको प्रोलैप्स डिस्क कहते हैं, डिस्क हर्निएशन कहते हैं, वो डिस्क जाके आगे नर्व को कंप्रेस करना शुरू कर देती है। जी सेकेंडरी दूसरा पॉजिटिव फैक्टर क्या हुआ कि जैसे हमारा लाइफ स्टाइल फैक्टर है, जिसमें अगर हम एक तरफ से झुकते जा रहे हैं तो एक तरफ से डिस्क ज़्यादा झुक रही है, ज़्यादा हमारा अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमारी एक तरफ से डिस्क दबती चली जा रही है और वो दूसरी तरफ जो है बल्ज होने का उसको रास्ता मिल जाता है, जी तो वो हमारा एनाटॉमिकल या पोस्चरल फॉल्ट में काउंट होता है। धन्यवाद। थर्ड वन इज हमारा न्यूट्रिशन। अगर हमारा पुअर न्यूट्रिशन है तो वो मसल्स की जो हमारी टोन है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी वर्क एफिशिएंसी है, वो रिड्यूस हो जाती है और वो मसल्स वीक हो जाती है, वो भी एक उसमें पॉजिटिव फैक्टर जो है वो काउंट करती है। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे, आपने पूछा कि ये डिस्क कंप्रेशन आखिर हो क्यों जाता है, इतनी जल्दी जल्दी क्यों प्रॉब्लम आ क्यों हो रही रहा है, है? सही बात तो है। उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो आजकल देखने को मिल रहा है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो हमारी सबसे ज़्यादा युवाओं में देखने को मिलेगा, जो उनको
लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लैक ऑफ सन एक्सपोजर जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे वो मसल्स की स्ट्रेंथ भी वीक हो रही है और साथ साथ उनकी बोन डेंसिटी भी रिड्यूस हो रही है, तो वो उससे उनकी वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस होती है एंड उससे जो है डिस्क फाइनली जो है डिस्क पे प्रेशर जैसे मैंने बताया कि किसका कहाँ से लिंक है। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारे आजकल जो युवा हैं वो ओवर जिमिंग करते हैं, जिस तरीके से वो जिम करते हैं वो एक एक्सपर्ट के अंडर ना जाके और वो अपनी मसल्स को बिल्डअप करने में, इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं ये डालना चाहूँगा कि आखिर इसमें ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है। लाइक जैसे हम पेट को मसल्स को बनाने के लिए और 8 pack, 6 packs बनाने के लिए और अपने उसको, तो एक साइड की मसल्स को हम बहुत स्ट्रांग करते चले जाते हैं और बैक साइड की मसल्स को हम इग्नोर करते चले जाते हैं। करेक्ट। तो उससे क्या होता है कि मस्कुलर इम्बैलेंस जो है क्रिएट होता है। जब अगर हम उसको बायोमैकेनिकली अगर हम उसको देखते हैं तो वही मसल्स जो होती है एक तरफ से प्रेशर डेवलप करना शुरू करती है और पीछे की मसल्स जो होती है काउंटर फोर्स दे नहीं पाती और वो डिस्क बल्ज होने का एक सबसे बड़ा कारण है, जिसमें अभी जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। जिम से आते हुए 30-40% तो केसेस ऐसे ही हैं जो 20-25 वाले केसेस हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने फोर्स ज़्यादा लिया, डेड लिफ्ट किया और उसके बाद मेरे को उठना मुश्किल हो गया, तो वो डिस्क बल्ज हो गई। बिकॉज जो मैंने अभी बताया कि मस्कुलर इम्बैलेंसेस और जो है उस सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने जिमिंग वाला जो पॉइंट रेज किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है काफ़ी युवाओं को लाभ मिलेगा क्योंकि वो पैक बनाने के चक्कर में फ्रंटल मसल्स पे ज़्यादा ध्यान और बैक वाले जो मसल्स में वो इग्नोर करते हैं। अब कई कारणों से बैक पेन हो सकती है और ये कैसे पता चले कि आदमी सिर्फ डिस्क से परेशान है या वो उससे ग्रस्त है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और बाद में फिर कैसे कन्फर्मेटरी उसका डायग्नोसिस होता है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो प्रॉब्लम हमें, पेशेंट तो हमें प्रॉब्लम बताता है कि बैक पेन हो रहा है, हमें नेक पेन हो रहा है, तो वो फाइंड आउट करना, उसको प्रॉपर डायग्नोस करना वो हमारा काम होता है जी। तो उसमें ये जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, जब हम पेशेंट का प्रॉपर असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम यही फाइंड आउट करते हैं आखिर पॉजिटिव फैक्टर है क्या। जब हिस्ट्री में लेते हैं तो उसका मैं प्रोफेशन भी पूछता हूँ, प्रोफेशन से मुझे ये पता लग जाता है कि इनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब है, स्टैंडिंग जॉब है, बाइक राइडिंग है, लंबे टाइम तक इनका कंप्यूटर पर सिटिंग है, उससे मैं वो पॉजिटिव फैक्टर्स को निकालता हूँ और ट्रीटमेंट भी हमारा वहीं पर छिपा होता है। तो जब उनका ये प्रोफेशनल हैजार्ड्स में, जैसे कई सारे जो हैं पेशेंट इनका एक ही पोजीशन में लगातार खड़े होकर काम करना है, खड़े होकर मैकेनिकल बैक पेन आ गया, मैकेनिक जब वो उस टाइम काम कर रहे हैं तो पेन है, अदरवाइज उनको पेन नहीं है। कई सारे जो पेशेंट हैं जिनका लगातार कंप्यूटर पर बैठे और उनका जो है गर्दन में पेन आ रहा है, बैक में पेन आ रहा है, तो जिससे उनके कर्वेचर लॉस हुआ और उससे मसल स्पाज्म आ गया, स्टिफनेस आ गई और स्टिफनेस की वजह से धीरे 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 बॉडी रिजिड होती जाती है और रिजिड होते होते वो क्या होता है कि उनकी वो कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एक तरीके से सिंड्रोम हो जाता है, जिस तरीके से मान लो नीचे हमारा पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो गया, अपर बैक में जिसमें अपर क्रॉस सिंड्रोम हो गया, जिस इस सिंड्रोम क्या है ये कई प्रॉब्लम्स को एक साथ कैरी करने का वो होता है जिससे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सिम्टम्स में यह है कि जैसे स्टिफनेस हुई, अब स्टिफनेस हुई तो स्टिफनेस हमारा एक सिग्नल है, प्राइमरी सिग्नल आया कि समथिंग रॉन्ग, कि हमें कुछ स्टिफनेस आ रही है, आफ्टर सम टाइम प्रोलॉन्ग सिटिंग पे थोड़ा थोड़ा पेन आना शुरू हुआ, ये कुछ स्टार्टिंग में इनिशियल में ये सिम्टम्स आने शुरू हुए। अगर हम उनको और इग्नोर करते जाते हैं फिर उसी में ही वही सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, कि जैसे अगर मान लो पीछे मैंने बताया कि अगर कंप्रेशन हुआ, डिसकंप्रेशन हुआ तो उसकी वजह से पीछे स्वेलिंग आई, स्वेलिंग हुई, फाइब्रोसाइटिस हुआ, उसकी वजह से किसी को हेडेक आना शुरू हुआ, नॉजिया हुआ, वॉमिटिंग शुरू हुआ, हम सोचते हैं कि ये हमारे कुछ ब्रेन की प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम जो होती है वो हमारी इंटरलिंक्ड करती है, हमारी कंप्रेशन से रिलेटेड है, हमारी स्लिप डिस्क से रिलेटेड है। दूसरा यही, अगर हमारी बैक में अगर कोई प्रॉब्लम है जिसमें
मैकेनिकल फॉल्ट है और धीरे धीरे वो मसल्स जो होती है कि एबनॉर्मली एक तरफ से प्रेशर ज़्यादा ले रही है, दूसरी तरफ से जो है प्रेशर कम ले रही है, और उससे क्या हुआ कि वो कंप्रेशन हो रहा है और डिस्क कंप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और बाद में क्या हुआ डिस्क बल्ज आउट हुआ, उससे क्या हुआ कि पैरों में हमारे नमनेस आनी शुरू हो अच्छा गई। आफ्टर सम टाइम वो वही जो है वीकनेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया कि पैरों में पावर नहीं आ रही, चलने में दिक्कत आ रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो हम खोजते रहते हैं कि हमें कुछ और इंटरनली प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्राइमरी सिग्नल्स जो है हमने जब इग्नोर किए, उसके बाद हमने जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स को भी हमने इग्नोर कर दिया, देन वो प्रॉब्लम जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसमें हम जो सोचते हैं कि हमें जाने क्या हुआ। इसमें स्लिप डिस्क से रिलेटेड और भी कई सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो जैसे रेफर्ड पेन है, कंप्रेशन हो रहा है बैक में लेकिन नीचे लेग में पेन आ रहा है, काफ मसल्स तक पेन आ रहा है। इसी तरीके से गर्दन में अगर डिस्क कंप्रेशन हो रहा है तो वो शोल्डर में पेन आ रहा है, आर्म में पेन आ रहा है, नमनेस आ रही है, टिंगलिंग हो रही है। अगर रात में हम सोते हैं तो नॉक्टर्नल पेन शुरू हो जाता है, जो कंप्रेशन हमारे गर्दन में हुआ तो हमारे हाथ एकदम नम हो जाता है, एकदम भारीपन आ जाता है। ये जो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें अपनी उस प्रॉब्लम की तरफ जो है इशारा करते हैं कि इशारा हो सकता है स्लिप डिस्क हो, क्योंकि वो हो तो सकता है कुछ कंफर्मेशन ऐसा है, है वो बड़ी। कंफर्मेशन होगा हाँ जब हम उसका डायग्नोसिस करेंगे। यस डॉक्टर साहब, अभी आपने एक जो पॉइंट रेज किया था कि इसमें मान लीजिए जो कुछ देर तक आपने इलाज नहीं किया या गलत इलाज हुआ तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो क्या खास हैं जो कॉम्प्लिकेशन जो स्थिति ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली आ सकती है? इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो इस टाइप के आ जाते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम हमें शोल्डर की है, लाइक अगर गर्दन में कंप्रेशन है तो उसकी वजह से मसल्स की जो टोन होती है वो हाई होती जाती है और मसल शॉर्टनिंग फेज में जानी शुरू हो जाती है, जिससे शोल्डर जो है धीरे 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 रेंज अफेक्टेड होती है और आफ्टर सम टाइम वो फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे तो कंधे में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम होती है वो गर्दन की कंप्रेशन से, जो नर्व इम्पल्सिस डिस्टर्ब हुए जिसकी वजह से मसल्स की टोन हाई होनी शुरू हो गई, जी उससे हाई टोन की वजह से शॉर्टनिंग हुई और उसने जो है अंदर है जो कॉम्प्लेक्स है उस पर एक प्रेशर डेवलप शुरू कर दिया और जो बोन का अंदर फ्रिक्शन शुरू हो गया, जी जिससे वो बाद में आफ्टर सम टाइम पेरीआर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है, हम सोचते हैं शोल्डर प्रॉब्लम है। इसी तरीके से बैक में भी है, बैक में कंप्रेशन हुआ और हमारी लेग में पेन जाना शुरू हुआ, हिप मसल्स और बैक मसल्स टाइट होनी शुरू हो गई, जिससे उसमें भी एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है जिसे कहते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जो हिप के पास में हमें पेन बहुत होता है और हमें ये लगता है कि वो हिप में जो है वो कुछ ऐसा चुभने वाला पेन है, हिप के अंदर कुछ ऐसा घाव हो गया है, लेकिन वो एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस में काउंट होता है जो एक डिस्क कंप्रेशन की वजह से आता है, और उसमें कई मैकेनिकल फॉल्ट्स भी होते हैं जिसमें हमारा जैसे हिप में जो हमारा अप स्लिप डाउन स्लिप हो जाता है, जैसे हम टेढ़े बैठते रहे तो हमारी एक तरफ से जो है हिप ऊपर हो जाता है और हमारी स्पाइन एक तरफ टेढ़ी हो जाती है, उससे भी हमारे जो क्या होता है कि स्पाइन के अंदर जो हमारी फेसेस जॉइंट्स होते हैं वो आपस में फ्रिक्शन लेना शुरू कर देते हैं, जिससे को हम फेसेट आर्थ्रोपैथी कहते हैं। उसका भी एक रेडिएटिंग पेन जो हमारी लेग में हमारी लोअर कॉम्प्लेक्स में जाना शुरू होता है, जो वो भी एक बड़े सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस में काउंट होता है। आफ्टर सम टाइम यही चीज़ें जो चलती रहती हैं तो वो हमारी लेग जो है धीरे 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 एक पैरालिसिस की तरफ जानी शुरू हो जाती है, ये जिसमें बड़ा मसल्स कॉम्प्लिकेशन। वीक होते होते हमें सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होना, चलने में दिक्कत, उनका वॉकिंग इंड्योरेंस पता लगा कि किसी का 5 मिनट ही रह गया, कोई 5 मिनट बाद ही उनको बैठने की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो सिग्नल आ रहे हैं इनको किसी भी तरीके से जो है इग्नोर इग्नोर नहीं ना करना करें। चाहिए। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो अभी गर्दन में जैसे कंप्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है हमारी ब्लर्ड विजन होना शुरू हो जाता है, हमें लगता है कि हमारी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, बट वही प्रॉब्लम हमारी लिंक करती है नेक से, जो वहाँ पीछे एक प्रेशर डेवलप होने की वजह से, स्पाज्म आने की वजह से, जो हमारी ऊपर जो C1 C2 जो नर्व जाती हैं हमारी वो अफेक्टेड होती हैं, जिससे हमें नौजिया, वॉमिटिंग, ब्लड, वो सिम्टम्स जो है हमारे आ जाते हैं, जो एक बड़े लेवल पे हमें एक स्ट्रेस दे सकते दे हैं, हाँ, सकते हमारी हैं, प्रोडक्टिविटी पे असर आता है। प्रोडक्टिविटी पे यहाँ असर आपने करते हैं। देखा कि अगर हमने इसको नेग्लेक्ट किया क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और अगर आपने इलाज नहीं किया बड़े कंफ्यूजिंग से सिम्टम्स आते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सी प्रॉब्लम है। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। बदलती
लाइफस्टाइल में बीमारियों से कैसे रहें दूर और कैसे रखें अपने आप को एकदम फिट, जानने के लिए देखना न भूलें आरके रैना के साथ कार्यक्रम हेल्थ कोच प्रत्येक रविवार रात्रि 10 बजे से सिर्फ दिशा टीवी पर। स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर अभिषेक प्रताप के साथ। सो डॉक्टर साहब, क्या स्लिप डिस्क फिजियोथेरेपी से बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं तो कोई चारा नहीं रह जाता, आपको एक ऑपरेट ही करना पड़ता है। तो क्या ये बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है फिजियोथेरेपी से? डेफिनेटली रैना जी, स्लिप डिस्क जो है वो ऐसी जो प्रॉब्लम है उसको ऑपरेशन से बचाया जा सकता है, और उसमें जो फिजियोथेरेपी हमारा होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें हम कई सारी टेक्निक्स जो हैं यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है उसमें हम जो फाइंड आउट करते हैं, जो हम असेसमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट हमारा वहीं छिपा होता है जी। उसमें अगर पॉजिटिव फैक्टर, अगर किसी की अगर मसल्स की वीकनेस है जिसकी वजह से वो उसकी ग्रिप लूज हो गई है, जिससे वो कंप्रेशन क्रिएट हुआ था, तो हमें अपने आप ही उस प्रॉब्लम में ठीक करने में उस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है और उसमें जो स्पेस को क्रिएट करना है। तो इसमें हमारी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे सेंट्रल डिस्ट्रक्शन ग्लाइड हुआ, हमने उसको कंप्रेशन को रिलीज किया और वहाँ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया। अब अगर कहीं किसी पेशेंट का अगर कोई मस्कुलर इम्बैलेंस है, जिसमें मैंने बताया था ओवर जिमिंग में कई सारे पेशेंट जो होते हैं अपना वो मसल्स की बिल्डिंग जो है वो रॉन्ग वे में करते हैं, तो उसमें हमने फाइंड आउट किया है, तो उसमें भी हमें उसको करेक्शन दिया, उसमें मसल्स का जो काउंटर रिएक्शन को ठीक करते हुए हमने वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट दिया। डिसकंप्रेशन को बड़े ईजिली ट्रीट कर देते हैं। अगर कोई पॉस्चरल फॉल्ट होता है तो वही हमें पॉस्चर को करेक्ट करना है, और उसकी जो इम्बैलेंसेस जो क्रिएट हुआ है, मस्कुलर इम्बैलेंसेस क्रिएट हुआ है, जैसे अगर कोई पेशेंट अगर साइड से झुके 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 बैठे 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 काम करता रहा, और फिर वो अगर मैं ट्रीटमेंट दे भी दूँ उसको, अगर उसने अपने उस पॉस्चर को करेक्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी। तो उसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पेशेंट को मैं गाइड करता हूँ कि आपकी ये पॉस्चरल फॉल्ट आ रहा है, आपको ये सेल्फ करेक्शन करना है, और साथ साथ हमारा जो पार्ट है ट्रीटमेंट का, उसमें तो हमारी कई सारी टेक्निक्स होती हैं जिसको हम वहाँ से उसको प्रॉब्लम डिस्क को हम डीकम्प्रेस करके डिस्क को सेट करते हैं और वहाँ की मसल्स को, कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सबसे ज़्यादा पार्ट हमारा ट्रीटमेंट में यही होता है कि वो जो रेस्पॉन्सिबल मसल्स है जो वहाँ डिस्क को प्रोटेक्ट करके चल रही थी, उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो वो हमारी कई टेक्निक्स हैं जिससे हम उसको ट्रीट करते हैं, और हमारा जो पूरा जो कॉजिटिव फैक्टर्स में जो हमने बताया कि ट्रीटमेंट हमारा वहीं छिपा होता है, तो उनमें से हम वो फैक्टर्स को सबसाइड करते जाते हैं, और साथ साथ जो है उसको न्यू मसल्स की बिल्डिंग, न्यू मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, और वहाँ से रिलेटेड जो मसल्स की जो है कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, वो हम पेशेंट से। डॉक्टर साहब, हमारा ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का है कि हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए ताकि हमें कम से कम ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। मेरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे बड़ा मेरा जो एम है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको एजुकेट भी करना है, ताकि वो प्रॉब्लम जो है फ्यूचर में रिपीट ही ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें हम बार बार डॉक्टर्स के लिए वहाँ भागते हैं कि अच्छा अभी 2 महीने पहले मुझे बैक में प्रॉब्लम हुआ, फिर नेक में प्रॉब्लम हुई, फिर ट्रीटमेंट लिया, फिर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया, फिर ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया, न्यूरो स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन वो प्रॉब्लम जो होती है, कई सारी प्रॉब्लम जो हमारी खुद से ही अंदर ही जो छिपी हुई होती हैं, वो हमें खुद ही ट्रीट कर लेनी चाहिए। जिसमें अगर प्रॉब्लम ठीक होने के बाद, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब प्रॉब्लम ठीक हो गई तो प्रॉब्लम दोबारा आई क्यों, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमें ये ध्यान रखना है कि प्रिकॉशंस में अगर जस्ट सपोज कि अगर मैं गर्दन में डिसकंप्रेशन हुआ था, प्रॉब्लम हाथ में आनी शुरू हुई और हमने उसको ट्रीट कर लिया और उसके बाद वो प्रॉब्लम ना आए, तो जैसे मोस्टली कहते हैं अच्छा आपको पिलो नहीं लगाना, लेकिन पिलो लगाना बहुत ज़रूरी है। 1/3 पिलो बिलो शोल्डर होना चाहिए, ना कि वो हेड लेवल पे होना चाहिए। अगर हेड लेवल पे होता है तो हमारी गर्दन ऐसे झुकी होगी, फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाएगी और अगेन वो प्रॉब्लम को इन्वाइट करेगी। तो शोल्डर पे होगी तो हमारी नेक की पोजिशन जो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और कई सारे एडिक्टेड होते हैं शोल्डर पिलो के, तो वो कहते हैं हम कैसे छोड़ें, तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
साइड से लेटते हैं तो हमें पिल्लो लगानी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो हेड है जो स्ट्रेचिंग पोजीशन में ना रहे रात में, तो वो पिल्लो बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जो कई सारे जो जो जिम गोइंग जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि वो फिटनेस करें अपने लिए। सेल्फ फिटनेस बहुत ज़रूरी है, जो मैंने लास्ट उसमें एपिसोड में भी आपसे डिस्कस किया था कि उसके बेनिफिट्स जो है हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट रखते हैं, पार्ट रखते हैं। उसमें होल बॉडी मसल स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर मसल्स पे हमें फोकस करना चाहिए। अपनी ओवरऑल एंड्योरेंस को इंक्रीज करना चाहिए, ना कि हमें किसी एक पर्टिकुलर मसल्स की बिल्डिंग करनी चाहिए। तो वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वॉकिंग बहुत करें, सेल्फ स्ट्रेचिंग बहुत करें, और अगर वो कोई प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम ठीक हो गई है और अगर अंदर से कुछ ऐसा नेचुरल कुछ अंदर से चेंजेज आ जाते हैं वो जो कभी ठीक नहीं हो सकते लेकिन वो उनको हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। रैना जी, इसमें मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपना एक डालना चाहता हूँ जो सजेशन के तौर पर, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सबको अपना पालथी मार के आलती पालथी मार के खाना खाना चाहिए, जिसमें हमारे जो पीछे की ये मसल सेल्फ स्ट्रेचिंग में आ जाती हैं और हमारे जो नीज हमारी बैक जो है एक जो उसका अलाइनमेंट है वो नेचुरली अलाइनमेंट सेट हो जाता है। दूसरा, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए जिसमें बैक का ऑटोमेटिक स्ट्रेचिंग हो जाती है, हमारी फेसेस जॉइंट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक स्ट्रेच हो जाते हैं और जो है ओरिएंटेशन है वो नेचुरल ओरिएंटेशन जो है हमारी बॉडी का वो मेंटेन रहता है। इसका एक बेनिफिट और सबसे ज़्यादा है जिसमें हम जब बैठते हैं तो हमारा जो है पैंक्रियाज जो है प्रेशर उस पर जाता है और उसकी पंपिंग होती है, जो एक तरीके से आपको डायबिटीज़ में भी हेल्प करता है। और ये सबसे ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल अवेयरनेस के तौर पर लोगों को समझनी चाहिए कि हमारी जो पुरानी लाइफ स्टाइल है हमें उसको अडेप्ट करना चाहिए और अभी भागम भाग वाली लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा अपने पे ध्यान देते हुए उसको थोड़ा सा अपने करेक्ट करना चाहिए। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, जैसे हम पुराने हमारे लाइफ स्टाइल होते थे, इवन डायबिटीज के केसेस भी कम हो गए बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना मूल्यवान समय दिया और हेल्थ कोच में इतनी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी। हेल्थ कोच से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल करें 9540339361 पे, आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@mediaresearchacademy.com पे। अपने आसपास सफाई रखें, पानी बचाएं और पॉलीथीन को ना कहें। अगले रविवार फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें हेल्थ कोच सिर्फ दिशा टीवी पर। नमस्कार। केबल और डीटीएच ऑपरेटर से दिशा टीवी देखने के लिए